हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन है उसको फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं, और कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन है उसको फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन में किस तरह से चेंज करते हैं। फर्दोलम टू इंटीग्रल है, इंटीग्रल टू फर्दोलम, दोनों तरह से हम पढ़ चुके हैं। इसमें देखेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन किस तरह से निकालते हैं। तो कंसिडर फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। ये हमारे पास एक फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन है, यू एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स जाय यू जाय डी जाय। वी डिफाइन एन ऑपरेटर, हम यहाँ पे एक ऑपरेटर डिफाइन करते हैं के फाई एक्स, जो कि इस तरह से होता है ए टू बी के एक्स जाय फाई जाय डी जाय। तो इस कंडीशन में के स्क्वायर की बात करेंगे तो के स्क्वायर जो हो जाएगा के ऑफ के फाई एक्स एंड सो ऑन। तो इस तरह से इक्वेशन वन जो है उसको इस तरह से लिखा जा सकता है, यू एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लेमडा के यू एक्स। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम ऑपरेटर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसका प्रूफ भी हम आगे करेंगे। इफ द फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन यू एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स जाई यू जाई डी जाई इज सच दैट के एक्स जाई इज नॉन जीरो रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन द रेक्टेंगल आर आई क्रॉस आई, वेयर आई बराबर ए बी इंटरवल है एंड के एक्स जाई लेस देन एम इन आर। एफ एक्स इज अ नॉन जीरो रियल वैल्यूड एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन आई, लेमडा इज अ कॉन्स्टेंट सेटिस्फाई द इक्वलिटी मोड ऑफ लेमडा लेस देन वन अपॉन एम बी माइनस ए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देन वन हैज द ओनली वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन इन द इंटरवल आई एंड दिस सॉल्यूशन इज गिवन बाई एब्सोल्यूटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज यू एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लेमडा एफ एक्स प्लस लेमडा स्क्वायर के स्क्वायर एफ एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। अगर फ्रेंड्स आपने हमारे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो ये हमारे पास वाई स्ट्रेस एम टेस्ट से रिलेटेड थ्योरम्स भी हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि इसी के कंपेरिजन में थी, जो कि हमारे पास वॉलेटाइल इंटीग्रल इक्वेशन के लिए थी। इस तरह से ये यहाँ पर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। वी प्रूव द रिजल्ट बाई द मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। इन दिस मेथड वी चूज एनी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन यू जीरो चूज करते हैं, डिफाइन ऑन आई एज द जीरो तो अप्रोक्सीमेशन, इसको जीरो तो अप्रोक्सीमेशन की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। देन उस कंडीशन में हमारे पास अगर जीरो तो अप्रोक्सीमेशन है तो यू जीरो को हमें इस इक्वेशन में पुट करना होगा। तो उसके बाद फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यानी यू वन एक्स मिल जाएगा। इसमें हमने पुट किया तो यू वन एक्स बराबर आ गया एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स जाए यू जीरो जाए डी जाए। बाई सब्स्टिट्यूट इस यू वन को फिर से हमने वन में सब्स्टिट्यूट करना है टू ऑब्टेन नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन यानी यू टू एक्स। तो इस यू टू निकालने के लिए फिर से हमें पुट करना होगा। तो यू टू निकालने के लिए यू टू एक्स क्या आएगा, ये आएगा एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स जाई, और यहाँ पे यू जीरो की यहाँ पे आ जाएगा यू वन जाई, जो कि यू वन जाई की वैल्यू पुट करनी है हमें फिर से। तो इस तरह से हमारे पास यू एन एक्स जो है इसी फॉर्म में यू एन एक्स जो आएगा एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स जाए यू एन माइनस वन जाए डी जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर, जो कि हमें हमारे पास ऑपरेटर डिफाइन था उसी तरह से, लेमडा के यू एन माइनस वन एक्स। तो ये हो गए हमारे पास एफ एक्स बराबर। अब यहाँ पे यू एन माइनस वन की वैल्यू पुट करेंगे तो यू एन माइनस वन की वैल्यू सिंपली इसी में अगर एन की जगह एन माइनस वन पुट कर देंगे तो यू एन माइनस वन की वैल्यू आ जाएगी, जो कि या यहाँ पे हम पुट कर दें तो वो आएगी हमारे पास एफ एक्स प्लस लेमडा के यू एन माइनस टू और ये एक्स ये आएगी, जो कि ये रहा हमारे पास। इस तरह से फिर ये आ गए, फिर यहाँ पे यू एन माइनस टू की वैल्यू पुट की तो यू एन माइनस थ्री आ गया। तो इस तरह से यू एन एक्स बराबर आ गए एफ एक्स प्लस लेमडा के एफ एक्स प्लस लेमडा स्क्वायर के स्क्वायर एफ एक्स प्लस डॉट डॉट लेमडा एन माइनस वन के एन माइनस वन एफ एक्स प्लस आर एन एक्स। आर एन एक्स जो है वो एंथ टर्म है हमारे पास, जहाँ पे आर एन एक्स बराबर लेमडा एन के एन यू जीरो एक्स। अब चूंकि यू जीरो जो है वो कॉन्टिन्यूस है और क्लोज इंटरवल ए बी में, क्लोज इंटरवल ए बी या कोई भी क्लोज इंटरवल में अगर कॉन्टिन्यूस होता है फंक्शन तो वो बाउंडेड भी होता है। तो इस कंडीशन में यू जीरो एक्स जो है वो बाउंडेड होगा, सपोज कि वो बाउंडेड है यू से। नाउ आर एन एक्स की बात करते हैं, तो आर एन एक्स जो है वो हमारे पास बेसिकली लेमडा एन ए टू बी के एक्स टी के टी टी वन, बेसिकली आर एन एक्स यानी कि लास्ट वाली टर्म,
लास्ट वाले टर्म जो है इसी तरह से, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एफ वन बना था, इस तरह से आर एन एक्स वाली टर्म जो रहेगी वो इस तरह से रहेगी, के यहाँ पे के एन यानी कि उसके बाद के एन जो टर्म होंगे उन यहाँ से भी हम सीधा बोल सकते हैं क्योंकि ये डिफाइन है, और के जो है एक्स टी जो है वो लेस देन इक्वल टू एम है, तो ये जो है और ये हाईएस्ट वैल्यू है इसकी, तो ये इसके क्योंकि हर सपोज की हर के वन के टू के थ्री एम से कम है, तो ये जो पावर है एम एन से कम होगा एंथ टाइम, तो हम ये डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते हैं बिना इसके हेल्प से, इसे बोल सकते हैं कि ये होगा हमारे पास लेस देन, अब चूंकि ये हमारे पास लेस देन है और साथ में ही हमारे पास इसका इंटीग्रेशन अगर देखें तो यहाँ पे एक बार इंटीग्रेशन 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 कितने बार हो जाएगा, मैं बी माइनस ये कितनी बार आएगा एंथ टाइम, हर बार जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो बी माइनस ये एंथ टाइम आएगा, तो ये लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ लैम्डा एन एम टू द पावर एन यू बी माइनस ए की पावर एन। अब यहाँ पे अगर हम देखें यू मोड ऑफ लैम्डा बी ए माइन बी माइनस ए टू द पावर एन टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्यों? क्योंकि अगर हम लैम्डा की वैल्यू देखें लैम्डा जो है वो लेस देन है वन अपॉन एम बी माइनस ए, इससे लेस देन है लैम्डा। विच इम्प्लाइज की मोड ऑफ लैम्डा और एम बी माइनस ए जो है वो लेस देन वन है, तो वन की जो लेस देन वन है अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी पे तो ये जीरो की तरफ टेंस करेगी, तो इस तरह से हम कह सकते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन एक्स बराबर यू एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लैम्डा के एफ एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर के, तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हम यहाँ यूनिकनेस की बात करते हैं, लेट बी एक्स बी अनदर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन, हमने सपोज कर लिया कि बी एक्स जो है वो अलग से सॉल्यूशन है ऑफ द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन यूज, तो उस कंडीशन में हम सपोज की जो वोलेटाइल इंटीग्रल इक्वेशन थी ये इक्वेशन इसका वी एक्स जो सॉल्यूशन है, तो वी एक्स सॉल्यूशन है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि यू वन अगर यू जीरो एक्स को हमने वी एक्स एज्यूम कर लिया और ये वी एक्स सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन है तो यहाँ पे v u वन एक्स जब हम सॉल्व करेंगे तो वो क्या रहना चाहिए इसका सॉल्यूशन, यानी इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन यू एक्स यू इसका सॉल्यूशन वी एक्स है तो ये वी एक्स आएगा, यानी यू वन एक्स बराबर वी एक्स, इस तरह से यू टू एक्स बराबर भी वी एक्स, यानी सारे जो अप्रोक्सीमेशन है वो हमारे पास वी एक्स आएंगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे यू एन एक्स बराबर वी एक्स रहेगा, तो यहाँ से इम्प्लाई होगा कि यू एक्स बराबर वी एक्स, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है वो अलग अलग नहीं है सॉल्यूशन सेम ही है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसमें फाइंड द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ पर्डुलम इंटीग्रल इक्वेशन, इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे हम और किस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को हम देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।